Hello everyone. So today we will discuss about mole fraction of the lesson 1, some basic concept of chemistry. This is part 4 of class 11. So let us start this. This is the sample. Whose sample? Mole fraction. Mole fraction represented by the sample, this sample is known as zeta. Now what is mole fraction? Now see the definition. What is the definition? Mole fraction is defined as the ratio. Mole fraction क्या होता है? रेशियो होता है. मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो. किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स. ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन? ये रेशियो होगा. किसका रेशियो होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट. Now let us consider दो कॉम्पोनेंट है. एक कॉम्पोनेंट ए है और एक कॉम्पोनेंट बी है. वन कॉम्पोनेंट इज ए, अदर कॉम्पोनेंट इज बी. सो इफ वी राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और सिंपली टू कॉम्पोनेंट्स आर देयर, सो इफ वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर मोल फ्रैक्शन, so what will be the expression? Let us see. क्या हो सकता है मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन? तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? देर आर टू कॉम्पोनेंट, वन इज ए अदर इज बी. तो मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए का नंबर ऑफ मोल्स होगा या फिर बी का नंबर ऑफ मोल्स, आइदर ए और बी, डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल मतलब ए का और बी का दोनों प्लस करने से जो नंबर ऑफ मोल्स होगा. नाउ एम ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम ए? एम ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. नाउ हाउ कैन वी नो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए? पता कैसे चलेगा ए का कितना मोल्स है? तो ए का मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है. कैसे मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल्स? मोल्स होता है गिवन मास डब्ल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए. सो इट इज सिंपली रिटेन एज एम ए. Given mass by molecular mass. How can we find number of moles? Given mass by molecular mass. That will give us number of moles and their ratio will be mole fraction. इसी तरह से B का mole fraction क्या होगा? Sorry, number of moles क्या होगा? NB. What is NB? NB is the number of moles of B. And how can we find number of moles of B? Given mass of B by molecular mass of B. B का जो मास दिया है और डिवाइड कर देना है उसका molecular mass से, जो मिलेगा वो क्या होगा? Number of moles of B. Now what is mole fraction? Now see, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन
फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? When there are two terms and they are in divide, और नीचे वाले का वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा ऊपर वाले का कंपेयर। तो देखो एनी या एनबी कोई भी एक होगा ऊपर और नीचे क्या रखना है टोटल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन? यू सी मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो है। किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट, कोई एक कॉम्पोनेंट का। तो हम लोगों ने दो कॉम्पोनेंट दिया है, क्या क्या कॉम्पोनेंट है? एक ए है और एक बी है। तो दोनों में से कोई एक का नंबर ऑफ मोल्स एनी वन डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल में क्या होगा? जितना है सबको प्लस करना होगा। तो डेट इज द मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? रेशियो किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट, कोई एक कॉम्पोनेंट का, डेट विल बी आइदर ए और बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा। अब इसमें ये डेफिनेशन क्लियर। इफ वी राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अभी ये स्पेसिफाइड हो गया कि हम लोग को ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है तब फॉर्मूला क्या होगा? तो ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो ए का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मतलब ए का और बी का दोनों मिलाकर। इफ वी राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का लिखने से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का मोल फ्रैक्शन क्या होना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल। ए का लिखना है तो ए बाई टोटल, बी का लिखना है तो बी बाई टोटल। मतलब दो कॉम्पोनेंट ही है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन को प्लस कर देना। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दे, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या मिलेगा? दोनों को ऐड करके देखें, व्हाट विल बी द रिजल्ट? सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना मिलेगा, चेक कर ले। जितना भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को प्लस करने से क्या होगा? ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? ए का कैसे निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मतलब ए और बी दोनों मिला के। इसी तरह से बी का क्या होगा, चेक कर ले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल, टोटल मतलब एन ए प्लस एन बी। टेक एलसीएम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिस इज द वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिस इज द वैल्यू, दोनों को प्लस कर दे। प्लस करने से क्या होगा? ए बी प्लस एन बी, एलसीएम वन वन इंटू दिस ए बी, ये वन वन इंटू दिस एन बी। नाउ बोथ आर सेम, तो कट के इतना आ गया वन। सो व्हाट वी गेट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू One. तो जितना भी कॉम्पोनेंट होगा सभी का मोल फ्रैक्शन का सम करने से कितना होगा? वन होगा। देयरफॉर सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये हो सकता है या जहां पे ऑल द कॉम्पोनेंट इज वन, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट कितना होगा? वन होगा। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन? कोई यूनिट है यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन? तो यू सी ये क्या है,
ये रेशियो है और रेशियो का यूनिट नहीं होता है, सो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, देयर विल बी नो यूनिट। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन मोल फ्रैक्शन का क्या होता है। तो इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ ले तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। वन न्यूमेरिकल विथ मोल फ्रैक्शन, तो एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, NaCl एंड वाटर, NaCl एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। When 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एंड वाटर, हम लोग को NaCl और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। दिया क्या है, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इससे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, फर्स्ट राइट द डाटास व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप लिख ले क्या क्या दिया हुआ है। नाउ आंसर क्या दिया है, गिवन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब मास ऑफ NaCl दिया है, गिवन मास ऑफ NaCl, गिवन मास को क्या चीज से लिखना है, W से, किसका है, NaCl का, कितना है, हाउ मच, 5.85 ग्राम। और क्या दिया है, गिवन मास ऑफ वाटर 36 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर मतलब W ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर इज 36 ग्राम। नाउ यू सी हम लोग को निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। इफ वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा कि कैसे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, गिवन मास बाय मोलेकुलर मास, गिवन मास तो है, क्या मोलेकुलर मास दिया हुआ है, नहीं, मोलेकुलर मास दिया हुआ नहीं है, तो मोलेकुलर मास आप निकाल लें, मोलेकुलर मास ओके, किसका निकालना है, दोनों का निकालना होगा, NaCl कितना होगा। नाउ हाउ वी विल फाइंड मोलेकुलर मास, ये हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट वन इसका फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं अबाउट द मोलेकुलर मास, पार्ट वन में मिलेगा ये। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस, वन टाइम है तो 23 × 1। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, क्लोरीन का 35.5 कितना होगा, दिस विल बी 538325 58.5, और यूनिट होगा ग्राम पर मोल। नाउ इन द सेम वे मोलिकुलर मास ऑफ वाटर निकाल ले कितना होगा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम प्लस, ऑक्सीजन का मास 16 है, एक बार है, तो 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल।
अब मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स. नाउ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब n, नंबर ऑफ मोल्स n किसका? NaCl का भी निकालना है, वाटर का भी निकालना है. तो NaCl का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने थोड़ा देर पहले? द फॉर्मूला वाज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास W, मॉलिक्यूलर मास M. तो क्या है वैल्यूज दे दो. गिवन मास हाउ मच? गिवन मास ऑफ NaCl 58.5, सॉरी गिवन मास ऑफ NaCl 5.85. ये है 5.85. मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज 58.5. नाउ ये विजिबल है, लेट मी चेक वंस वेदर इट इज विजिबल और नॉट. हाँ विजिबल है. ओके नाउ डिवाइड कर दो तो 5.58 ये 10 बार में कट जाएगा 1/10. 1/10 मतलब 0.1. डिवाइड कर सकते हो नहीं कर सकते हो? फाइंड इन द सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. वाटर का निकाल लो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय फॉर्मूला गिवन मास ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. व्हाट इज द गिवन मास ऑफ वाटर? वाटर का गिवन मास कितना है? 36. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? 18. 36 बाय 18 हाउ मच इट विल बी? 2. तो NaCl का कितना मोल्स मिला? 0.1. और वाटर का कितना मोल्स मिला? 2. मोल्स मिल गया. नाउ वी कैन फाइंड मोल फ्रैक्शन. चलो अब निकाल लो मोल फ्रैक्शन किसका? NaCl का और सेकेंड वाटर. Here you can write the sample like molecular mass of NaCl. ये sample में भी लिख सकते हो molecular mass m NaCl. Water का इसी तरह से लिख सकते हो क्या होगा? m of water, molecular mass of water. Now we will find mole fraction of NaCl and water. अब हम लोग निकाल ले NaCl और water का क्या होगा. चलो पहला by formula मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl क्या फॉर्मूला? तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स. NaCl का निकालना है तो क्या होगा? NaCl का नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड में टोटल. टोटल मतलब NaCl का होगा और सेकेंड क्या है? वाटर है, वाटर का. जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल मतलब NaCl का और वाटर का. गिव वैल्यू. NaCl का कितना मोल्स है? तो NaCl का मोल्स मिला 0.1 बाय 0.1. वाटर का कितना मिला? वाटर का 2 मिला. दिस विल बी 0.1 बाय 2.1. दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10-10 से मल्टीप्लाई करने से 1/21 हो गया. इन द सेम वे यू कैन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. इसी तरह वाटर का मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल लेते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर व्हाट विल बी द फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. वाटर का कितना मोल्स है? डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल मतलब वाटर का और NaCl का. व्हाट इज द मोल्स ऑफ वाटर? वाटर का 2 बाय 2 प्लस 0.1. दिस विल बी 2 बाय 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 20 बाय 21. तो ये हो गया आंसर. नाउ यू सी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सेकेंड वाला ऐसे निकाला. इसका एक और मेथड है, वन शॉर्टकट मेथड यू कैन फाइंड इजी. अगर एक का निकला हुआ है
जैसे NaCl का मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया, वाटर का निकाल लिया, तो ऐसे भी वाटर का निकाल सकते हो, या फिर एक रिलेशन हम लोगों ने प्रूफ किया था। क्या था रिलेशन? जितना भी कंपोनेंट होगा सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को प्लस करने से वन होगा। वन रिलेशन वी हैव प्रूव दैट जितना भी कंपोनेंट होगा सभी का मोल फ्रैक्शन को प्लस करने से वन होगा। तो क्या क्या कंपोनेंट है? NaCl है, वाटर है, दोनों का ऐड करने से कितना आएगा? वन, दैट वी हैव प्रूव। तो यहां से भी वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो अगर एक का वैल्यू पता है तो। नाउ गिव द वैल्यू से सिंपली फाइंड क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl वाटर कितना होगा? वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। NaCl का कितना मिला? 1/21। ये नाउ सिंप्लीफाई, दिस विल बी 21, 21 माइनस 1, 20/21, वैल्यू इज सेम। सो दोनों में से जैसे भी कर सकते हो। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। तो एक आइडिया हो गया कैसे मोल फ्रैक्शन को निकाला जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर ले, वन मोर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, ईच कॉम्पोनेंट जितना भी कंपोनेंट है सभी का, व्हेन 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 360 ग्राम ऑफ, सी 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6 इज डिसॉल्व्ड इन, इज dissolved in, is dissolved in 1800 gram of water, 1800 gram of water। तो सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेगा और सेम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज फॉर रिविजन। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करें, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आप चेक करें वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें पूरा। हो गया? चलो ठीक है, चेक द आंसर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। व्हाट इज गिवन राइट? 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास दिया है 360 ग्राम। गिवन मास ऑफ वाटर, वाटर का मास है 1800। नाउ फाइंड द मोलेकुलर मास ऑफ वाटर, एम फोर मोलेकुलर मास, ये मोलेकुलर मास, और डब्ल्यू से क्या है? गिवन मास, डब्ल्यू से गिवन मास। हाइड्रोजन का 1 2 times प्लस ऑक्सीजन 16, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। देन ग्लूकोज का निकाल लो, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला? C6H12O6 ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज छोटा में जी लिख दिया, फर्स्ट लेटर समझ जाओगे। कार्बन का मास 12 सिक्स टाइम है, प्लस हाइड्रोजन 1 12 टाइम्स है, प्लस ऑक्सीजन 16 छह बार है। हाउ मच इट विल बी? तो 12 6 जा 72, 12 16 6 96, 6 8 10 10 10 17 18 180 ग्राम पर मोल। चलो ये हुआ, अब आप मोल्स निकाल लें। Therefore, number of moles of glucose by formula, given mass of glucose by molecular mass of glucose. What is the given mass? 360
What is the molecular mass of glucose? 150. What will be this? 2 mole. So number of moles of glucose will be 2. Now find the number of moles of water. Number of moles of water by formula, given mass of water by molecular mass of water. What is the given mass of water? 1800 gram this, or molecular mass 18. So this will be nearly 100. So this will be 100 mole. Now अब फॉर्मूला लिखते therefore each component दोनों का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो ग्लूकोज का क्या होगा? तो by formula मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसका मोल्स, ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज का मोल्स by total ग्लूकोज plus water. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना मिला? 2 बाय ग्लूकोज का 2, वाटर का 100. हाउ मच इट विल बी? दैट विल बी 2 बाय 102, 1 बाय 51. अब इसी तरह आप वाटर का निकाल लो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर एक अल्टरनेटिव मेथड भी मैंने दिखाया है कि जितना भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन को ऐड करने से 1 होता है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा. चलो यहां से आप निकाल लो वाटर का, तो दिस इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. नाउ गिव द वैल्यू. 1 माइनस ग्लूकोज का 1 बाई 51 है, दैट विल बी 50 बाई 51. इज इट विजिबल? 50 बाई 51, नॉट विजिबल. तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 50 बाई 51. सो ऊपर ये हुआ. Now next, mole fraction of water क्या होगा? So we know that mole fraction of glucose and mole fraction of water जितना भी होता है सभी को add करने से 1. तो water का क्या होगा निकाल लो. 1 minus mole fraction of glucose. 1 minus glucose का कितना है check कर लो. 1 by 51, that will be 50 by 51, that will be the answer. So I hope it will be clear mole fraction का concept. तो एक मैं homework दे देता हूँ, इसको solve करके जो भी answer होगा आप मुझे comment section में बता, ठीक है? comment में आपको answer बताना है. calculate the mole fraction of each component. वही सेम क्वेश्चन, जितना आप करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना अच्छा. when 30 gram of यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 is dissolved in 50 gram of water. इसको सॉल्व करना है, और फॉर्मूला ऑफ यूरिया क्या होगा? C एक बार है, नाइट्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, हाइड्रोजन 4. C 1 टाइम एंड 2 टाइम, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया. ये मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए. तो जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट पे बताएं. इफ एनी डाउट कंफ्यूजन इज देयर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.